नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो ऑनलाइन फॉर्म है वह स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अपना ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे इस वीडियो में आप जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। दोस्तों, इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप क्लिक करके इस वेबसाइट में आ सकते हैं। दोस्तों, इस वेबसाइट के ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर दोस्तों हमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन के पश्चात आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना होगा। दोस्तों, पिछले टाइम हमने जितने भी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई किए हैं उसमें जो आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिला था वह इस बार काम नहीं आएगा, आपको दोबारा से इसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो दोस्तों, चलिए रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस जानते हैं। दोस्तों, इस वेबसाइट के ओपन हो जाने के बाद नीचे में हमें स्क्रॉल करके देखना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, राइट साइड में स्टूडेंट कॉर्नर दिया गया है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन योर सेल्फ, तो यहाँ पर हमें क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारे पास नया पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज को हमें डेस्कटॉप साइड मोड पे ऑन कर लेना है। तो यहाँ पर थ्री डॉट में हमें क्लिक करना है। इसके बाद जस्ट यहाँ पर डेस्कटॉप साइड लिखा है, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इसे हम देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी कॉलम दिए गए हैं उसमें अपना जानकारी भरना अनिवार्य है। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अपना जो डिटेल है उसे आपको अंग्रेजी में भरना होगा। दोस्तों, आपके नाम के पहले मिस्टर मिसेस कुमारी इस प्रकार से किसी भी प्रकार का वर्ड आपको यूज़ नहीं करना है। दोस्तों, इस फॉर्म को आपको सावधानीपूर्वक भरना है। एक बार अगर आपने इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया तो दोबारा से चेंज नहीं होगा। दोस्तों, यह जो फॉर्म केवल अस्थाई है। दोस्तों, आपका जो यह रजिस्ट्रेशन फॉर्म तब कम्प्लीट होगा जब आपके आधार कार्ड में आपका जो यह पूरा डिटेल को मिलान किया जाएगा। दोस्तों, यदि आपके आधार कार्ड में और इस फॉर्म में आप जो डिटेल फिलअप किए हैं उसमें अगर कोई मिस्टेक रहता है तो यह आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों, आपके आधार कार्ड में और आपके जो स्कूल कॉलेज के मार्कशीट हैं उसमें आपका डिटेल सही होना चाहिए, तभी दोस्तों यह आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म कम्प्लीट अप्रूवल होगा। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, नीचे स्क्रॉल करके हमें देखना है, यहाँ पर सबसे पहले हमें अपना फर्स्ट नेम इंटर करना है, इसके बाद मिडिल नेम और लास्ट नेम दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम दिया गया है। तो दोस्तों, यदि आप अपने नाम के बाद कुमार, उसके बाद अगर आप अपने कास्ट को भी अपने नाम के साथ लिखते हैं जैसा कि आपके मार्कशीट में लिखा है, तो दोस्तों आपको फर्स्ट नेम में अपना नाम, इसके बाद अगर आप कुमार या कुमारी लिखते हैं तो उसको आपको मिडिल नेम में लिखना है। इसके बाद दोस्तों अगर आप अपने नाम के साथ अपने कास्ट को भी लिखते हैं तो उसे यहाँ पर आपको लास्ट नेम में इंटर करना होगा। यदि दोस्तों आपके मार्कशीट में आपका नाम और उसके साथ कुमार है या फिर कुमार के जगह आप अपने कास्ट को लिखते हैं तो आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम में अपना नाम और लास्ट नेम में कुमार या फिर अपने कास्ट को इंटर करना होगा। दोस्तों, आपके मार्कशीट में जिस प्रकार से नाम है उसी प्रकार से आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है। दोस्तों, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपके नाम में केवल दो वर्ड यूज़ होते हैं तो आपको फर्स्ट नेम में अपना नाम और लास्ट नेम में आपको अपना कास्ट या फिर कुमार कुमारी आप जो लिखते हैं उसको इंटर करना है, आपको मिडिल नेम को छोड़ देना है। और यदि आपके नाम में तीन वर्ड रहते हैं जैसे कि नाम, कुमार कुमारी या फिर कास्ट, तो आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम तीनों में अपना नाम इंटर करना है। दोस्तों, यहाँ पर अपना नाम इंटर करने के बाद यहाँ पर कंफर्म नेम में भी हमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम को इंटर करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, आर यू ऑर्फेन, कि क्या आप अनाथ हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप अनाथ नहीं हैं तो यहाँ पर आपको नो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपने फादर का नेम इंटर करना है। इसके बाद दोस्तों राइट साइड में आपको अपने मदर का नेम इंटर करना है। दोस्तों, मैं आपको एक बार और बता देना चाहता हूँ कि यह जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है आपको अपने मार्कशीट के हिसाब से ही आपको फिलअप करना है।
दोस्तों यदि आपके मार्कशीट के हिसाब से यह जो फॉर्म है रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो यह जो फॉर्म है आपका रिजेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक बार हमें फिर से कंफर्म करना होगा कि क्या आप अनाथ हैं, तो यहाँ पर आपको यस या फिर नो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपके फादर का नेम यहाँ पर इंटर करना है। इसके बाद आपके मदर का नेम आपको इंटर करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे में हम देखेंगे आपको अपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करने के बाद नीचे में हमें उसी डेट ऑफ बर्थ को कन्फर्म कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर राइट साइड में कैटेगरी दिया गया है, आप किस कैटेगरी में आते हैं SC ST OBC यहाँ पर आपको उसमें से सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर उसे नीचे में कंफर्म कर लेना है आप किस कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों यहाँ पर इसके बाद राइट साइड में जेंडर दिया गया है, आपका जेंडर यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद उसे नीचे में कन्फर्म कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर इसके बाद नीचे में हम देखेंगे आपको अपना आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इंटर करना है। दोस्तों यहाँ पर आप अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को जिसको आप यूज़ करते हैं उसी मोबाइल नंबर को और ईमेल आईडी को यहाँ पर इंटर कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का सूचना आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में भेजा जा सकता है। तो इसके लिए जिस मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को आप यूज़ करते हैं उसे ही यहाँ पर इंटर करना है। दोस्तों ऊपर में आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को इंटर करने के बाद उसी को यहाँ पर नीचे में कंफर्म करके हमें इंटर करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर परमानेंट एड्रेस दिया गया है, तो दोस्तों यहाँ पर होम एड्रेस दिया गया है, तो यहाँ पर आप अपने विलेज का नाम लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना पिन कोड इंटर करना है। इसके बाद आपको अपना पोस्ट ऑफिस सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों इसके बाद अपना विलेज या सिटी यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों अपना एड्रेस कंफर्म करने के लिए यहाँ पर नीचे में भी सेम प्रोसेस से हमें अपना एड्रेस, पिन कोड, पोस्ट ऑफिस और अपना विलेज का नाम यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों नीचे में अपना डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और विधानसभा दिया गया है, इसमें से आपको तीनों को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जस्ट इसे आपको कन्फर्म कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके हम देखेंगे यहाँ पर हमें अपना एक पासवर्ड सेट करना होगा। दोस्तों पासवर्ड सेट करने के लिए यहाँ पर 8 कैरेक्टर तक इसमें अपना पासवर्ड आप सेट कर सकते हैं। दोस्तों पासवर्ड सेट करने के लिए आपको कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, किसी भी डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर को यहाँ पर आपको इंटर करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपका जो यह पासवर्ड आपको इंटर करना है, इसके बाद उसी पासवर्ड को यहाँ पर आपको कन्फर्म करना है। इसके बाद नीचे में यहाँ पर सेव एंड रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आपको क्लिक करना है। देखिए दोस्तों सेव एंड रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों रजिस्टर्ड सक्सेसफुली का एक पॉपअप मैसेज आ गया है। यहाँ पर आपको अपना यूज़र आईडी मिल जाएगा, यहाँ पर इसे आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है या फिर इसे कॉपी कर लेना है। इसके बाद दोस्तों ओके पर हमें प्रेस करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर राइट साइड में हमें क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर लॉगिन का एक ऑप्शन है, तो यहाँ पर जस्ट हमें क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए लॉगिन का एक ऑप्शन आ गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें अपना यूज़र आईडी जो अभी हमने रजिस्ट्रेशन किया उसको यहाँ पर इंटर करना है। इसके बाद जो हमने पासवर्ड सेट किया था उसको यहाँ पर आपको इंटर करना होगा। इसके बाद यहाँ पर जस्ट जो कैप्चा दिया हुआ है उसको यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद जस्ट लॉगिन वाले बटन पर हमें क्लिक करना है। तो चलिए मैं अपने आईडी को लॉगिन कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पर देखिए अपना आईडी लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पर इस फॉर्म को हमें 7 स्टेप में कंप्लीट करना होगा। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन जो हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेकेंड नंबर ऑप्शन में प्रोफाइल अपडेशन, तो यहाँ पर जस्ट हमें क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्रोफाइल अपडेशन में हमें यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके हमें यहाँ पर देखना है। यहाँ पर दोस्तों अपना प्रथम नाम, मध्य नाम, अंतिम नाम, जो हमने पहले अंग्रेजी में अपना नाम इंटर किया था उसे यहाँ पर हमें अपना नाम हिंदी में फिलअप करना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपना नाम फिलअप करने के बाद अपने पिता का नाम और यहाँ पर अपने माता का नाम इंटर करना है। दोस्तों ऊपर में अपना नाम फिलअप करने के बाद यहाँ पर नीचे देखे यहाँ पर हमें अपना फादर का ऑक्यूपेशन सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि यहाँ पर गवर्नमेंट, प्राइवेट, फार्मर और अदर। आपके फादर किस प्रकार से जॉब करते हैं यहाँ पर आपको उसमें से सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपके फादर किसान है तो यहाँ पर इसे फार्मर को आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मदर ऑक्यूपेशन दिया गया है, इसे भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है।
दोस्तों यहाँ पर रिलीजन दिया गया है, यहाँ पर आप किस धर्म में आते हैं इसको आपको यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों आपके पास राशन कार्ड है तो वह राशन कार्ड किस प्रकार से है, BPL या फिर APL कार्ड, तो यहाँ पर इसमें से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आपका BPL या फिर APL कार्ड है तो आपको सिलेक्ट करने के बाद उसका नंबर आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। दोस्तों यहाँ पर इसके बाद राइट साइड में देखिए कि क्या आप दिव्यांग हैं, तो यहाँ पर आपको यस और नो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें अपना एड्रेस सिलेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पर जिला, ब्लॉक, विधानसभा आपको इसमें से सिलेक्ट कर लेना है कि आप किस जिले, ब्लॉक और विधानसभा में आते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस इंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर जो पिन कोड दिया गया है आपको अपना पिन कोड इंटर करना है। इसके बाद दोस्तों नीचे में हमें अपना फ़ोटो अपलोड करना होगा, जिसका साइज मैक्सिमम 50 KB तक होना चाहिए। दोस्तों फ़ोटो अपलोड करने के लिए चूज़ फाइल पर हमें क्लिक करना है, अपने फ़ोटो को सिलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों अपना फ़ोटो यहां पर अपलोड हो जाएगा। दोस्तों यहां पर फ़ोटो अपलोड हो जाने के बाद यहां पर हाई स्कूल 10th क्लास का आपको डिटेल यहां पर फिलअप करना है। दोस्तों यहां पर आपके 10th क्लास के रोल नंबर को आपको इंटर करना है। इसके बाद जस्ट उसी रोल नंबर को आपको कन्फर्म रोल नंबर वाले ऑप्शन में इंटर करना है। इसके बाद दोस्तों आपने 10th क्लास किस ईयर में पास किया है उसको यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपने किस बोर्ड में अपना 10th क्लास पास किया है उसको आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। 10th क्लास में आपका कितना परसेंटेज है उसको यहां पर आपको इंटर कर लेना है। इसके बाद जस्ट सेव वाले बटन में हमें क्लिक करना है। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें एकेडमिक डिटेल इंटर करना है। दोस्तों यहाँ पर करेंट इंस्टीट्यूट लोकेशन, दोस्तों वर्तमान में आप किस संस्थान में अध्ययनरत हैं उसको यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर सिलेक्ट इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट, दोस्तों यहाँ पर आपका जो इंस्टीट्यूट है किस जिले में है यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों सिलेक्ट इंस्टीट्यूट, आप किस संस्थान में अध्ययनरत हैं उसे यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर सिलेक्टेड इंस्टीट्यूट ID यहाँ पर ऑटोमेटिक से आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एडमिशन डेट में आपने किस डेट में अपना एडमिशन लिया है उस डेट को यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। इसके बाद दोस्तों एनरोलमेंट नंबर आपको यहाँ पर इंटर करना है। दोस्तों आपने अपने इंस्टीट्यूट में किस डेट में एनरोलमेंट फॉर्म अप्लाई किया है उसको यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर नोट दिया गया है, यदि आपकी संस्था में आपको अपना पाठ्यक्रम दर्शित नहीं हो रहा है तो इस संबंध में तत्काल संस्था को संपर्क करें। दोस्तों यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट में आपका इंस्टीट्यूट जिसमें आप अध्ययनरत हैं वह यदि शो नहीं कर रहा है तो इसके विषय में आप अपने कॉलेज या इंस्टीट्यूट में संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद नीचे में आपको एडमिशन टाइप यहां पर आपको सिलेक्ट करना है, जैसे कि दोस्तों आपका मेरिट बेसिस, मैनेजमेंट कोटा, NRI कोटा या स्पोर्ट एडमिशन, इसमें से आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आप किस टाइप में अपना एडमिशन लिए हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मोड ऑफ स्टडी, यहाँ पर इसमें से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सिलेक्ट कोर्स, आपको अपना कोर्स सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों सिलेक्ट ब्रांच, आप किस ब्रांच में अपना कोर्स कर रहे हैं उसको यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों इसके बाद सिलेक्टेड कोर्स कोड यहाँ पर ऑटोमेटिक से आ जाएगा। दोस्तों आपका जो कोर्स है वह किस ईयर में कर रहे हैं उसको यहाँ पर से आपको सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर नीचे देखिए, दोस्तों यदि आप गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूट के हॉस्टल में रहते हैं तो यहाँ पर आपको यस नो सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रीवियस कंप्लीटेड कोर्स डिटेल, दोस्तों जैसे कि आप वर्तमान में जो भी कोर्स कर रहे हैं उसके पहले आपने जो कोर्स पास किया है उसको यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। दोस्तों यहाँ पर आपको कोर्स टाइप सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रीवियस कंप्लीटेड कोर्स डिटेल, दोस्तों वर्तमान में आप जो भी कोर्स कर रहे हैं उसके पहले आपने जो कोर्स पास किया है उसका डिटेल यहाँ पर आपको देना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपना डिटेल इंटर कर लेना है। इसके बाद दोस्तों लास्ट एग्जाम मार्कशीट, तो दोस्तों यहाँ पर अभी जो वर्तमान में आप कोर्स कर रहे हैं इसके पहले जो आपने एग्ज़ाम पास किया है उसका जो मार्कशीट है यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। मार्कशीट का जो साइज है 120 KB मैक्सिमम यहाँ पर आपको अपलोड करना है। अपलोड हो जाने के बाद जस्ट सेव वाले बटन में क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों चौथे नंबर ऑप्शन बैंक डिटेल में हमें आ जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों अपने
पासबुक का जो IFSC कोड है यहाँ पर आपको इंटर करना है। इसके बाद बैंक नेम आपको देना है। इसके बाद आपके बैंक ब्रांच नेम आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे अकाउंट नंबर दिया गया है, आपको अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर इंटर करना है। इसके बाद अपने अकाउंट नंबर को यहाँ पर कंफर्म करना है। इसके बाद दोस्तों अपने पासबुक का फोटो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। इसका भी साइज मैक्सिमम 120 KB होना चाहिए। दोस्तों अपना बैंक डिटेल कंप्लीट हो जाने के बाद जस्ट सेव वाले बटन में क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों पांचवें नंबर ऑप्शन में कास्ट एंड डोमिसाइल वाले ऑप्शन में हम आ जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों हमें अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वह ऑनलाइन बना है तो यहाँ पर आपको यस करना है। इसके बाद दोस्तों आपका जो एप्लीकेशन नंबर है उसको यहाँ पर आपको इंटर करना है। इसके बाद गेट ऑनलाइन सर्टिफिकेट यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है ऑटोमेटिक से आ जाएगा। दोस्तों यदि आपका कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन नहीं बना है तो यहाँ पर इसे नो सिलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपना जो सर्टिफिकेट का नंबर है उसको यहाँ पर आपको इंटर करना होगा। दोस्तों आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वह किस डेट में बना है उसको यहाँ पर आपको डेट को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अपने कास्ट सर्टिफिकेट को यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट का जो साइज है वह 120 KB मैक्सिमम होना चाहिए। यदि आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहते हैं तो अपने फाइल से सिलेक्ट करके जस्ट यहाँ पर सेव एंड अपलोड वाले बटन में क्लिक करना है। इसके बाद नीचे दोस्तों यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट हमें अपलोड करना होगा। यदि आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑनलाइन बना है तो यहाँ पर यस करना है। इसके बाद एप्लीकेशन नंबर डाल के गेट ऑनलाइन डोमिसाइल सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है ऑटोमेटिक से आ जाएगा। और यदि आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑनलाइन नहीं बना है तो यहाँ पर नो सिलेक्ट करके अपने फाइल से सिलेक्ट करके सेव वाले बटन में हमें क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर इसके बाद देखिए इनकम सर्टिफिकेट छठवें नंबर ऑप्शन में हमें आ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए एनुअल इनकम दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों आपका जो आय प्रमाण पत्र बना है उसमें आपका वार्षिक आय लिखा होगा, उसको यहाँ पर आपको इंटर करना है। और सेम प्रोसेस दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आपका जो आय प्रमाण पत्र है ऑनलाइन बना है तो आपको यस सिलेक्ट करना है, और नहीं बना है तो जस्ट नो सिलेक्ट करके आपको अपने फाइल से आय प्रमाण पत्र को अपलोड करना होगा। आय प्रमाण पत्र अपलोड करने का जो फोटो का साइज है वह 120 KB मैक्सिमम होना चाहिए। दोस्तों आय प्रमाण पत्र अपलोड हो जाने के बाद यहाँ पर सेव वाले बटन में हमें क्लिक करना है। दोस्तों इसके बाद लास्ट एंड फाइनल स्टेप में हम आ जाएंगे। यहाँ पर हमारा सभी डिटेल, जितने भी हमने पहले डिटेल इंटर किया है वह सभी डिटेल हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर लास्ट में देखिए दोस्तों क्लिक हियर टू लॉक एप्लीकेशन एंड फॉरवर्ड टू इंस्टीट्यूट। दोस्तों यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसे हम दोबारा चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए दोस्तों आपने जितने भी डिटेल भरे हैं उसको आप सही सही भरें। दोस्तों यहाँ पर क्लिक हियर टू लॉक एप्लीकेशन करने से पहले यहाँ पर हमें आई एक्सेप्ट वाले बटन में क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आपका यह सभी डिटेल एकदम से सही है तो यहाँ पर क्लिक हियर टू लॉक एप्लीकेशन एंड फॉरवर्ड टू इंस्टीट्यूट वाले बटन में क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यह जो डिटेल है आपका इंस्टीट्यूट फॉरवर्ड हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसका प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको अपने इंस्टीट्यूट में इसका प्रिंट आउट लेके जमा करना होगा। इसके बाद आपका इंस्टीट्यूट इसे वेरीफाई करेगा। इसके बाद आपका स्कॉलरशिप को इंस्टीट्यूट द्वारा लॉक किया जाएगा। दोस्तों तो आप इसी प्रोसेस से अपना पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको छत्तीसगढ़ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ऑनलाइन कैसे किया जाता है इसका प्रोसेस आपको बताया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।